बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उर्द्रा मुरली अब देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कानपुर में विकास दुबे नाम के एक गुंडे ने, अपराधी ने, जो आतंकवादी है, उसने 8 हमारे देश के जवानों को, जो पुलिसकर्मी थे, उनको शहीद कर दिया और उसके बाद फरार भी हो चुका है। अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन उसके बाद भी, इतना आपराधिक करते करने के बाद भी, कुछ लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पर, ट्विटर पर उसको दिलेर शेर, बब्बर शेर या इस तरीके की उपाधियां दे रहे हैं, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। इस तरीके की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्टों की भरमार है और इस मामले के अंदर अब पुलिस ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों को उठा उठाकर पुलिस सीधे जेल पहुंचा रही है। महिलाओं के खिलाफ भी टिप्पणियां, जो जिन महिलाओं ने फेसबुक पर इस तरीके की टिप्पणियां की है, उन पर भी आईटी एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। उन पर भी जैसे ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज इस मामले में किस किस को गिरफ्तार किया और किस तरीके की कार्रवाई हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि किलकित सचान नाम की फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आई थी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि सोशल मीडिया पर उसको शेर भी कहा था और दिलेर भी कहा था। इसके अलावा किलकित सचान ने अपनी फेसबुक आईडी पर लिखा था कि दुर्लभ जनता को नहीं बल्कि पुलिस को मारा था, इसलिए विकास दुबे को सल्यूट। यानी कि उन्होंने विकास दुबे के बारे में सल्यूट करते हुए लिखा कि विकास दुबे ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि किलकित सचान जो है वो कोई नाबालिग लड़का नहीं है, कोई आवारा इंसान नहीं है, बल्कि किलकित सचान एक जिम्मेदार भारत का नागरिक के तौर पर एक IIT कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है, जिसकी खुद की कोचिंग सेंटर है और वो बच्चों को शिक्षा देता है और एक अपराधी के बारे में उस तरीके की घटना लिखता है। इस मामले में आज पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और आईडी की, फेसबुक आईडी की स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसका नाम रीता पांडे है। रीता पांडे नाम की फेसबुक आईडी से काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट है इसके विकास दुबे के बारे में किया गया है और जाति को भी उच्च बताने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जल्द ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही पता चल जाएगा कि इस रीटा नाम राय, जो पांडे नाम की आईडी है, इसको आके चला कौन रहा है, जैसे ही पुख्ता हो जाएगा उसके बाद पुलिस इन पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो यानी कि इस तरीके की पोस्ट अगर आपने भी डाल रखी है तो बचने की कोशिश करें और पुलिस की जिम्मेदारी के साथ पुलिस का है वो सहयोग करने की कोशिश करें। किसी भी तरीके की भ्रामक खबरें कभी भी प्रचारित ना करें। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। तब तक आप चले लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको